जहां एक और पूरे भारत में व्यापार, बिजनेस हो या बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग एक बड़ा माध्यम बना है। लेकिन देखा गया है कि डिजिटल बैंकिंग में आम उपभोक्ता ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नीमच के न्यू इंदिरानगर में देखने को मिला। न्यू इंदिरानगर में रहने वाली मदनलाल प्रजा पर ठगी का शिकार हो गए। उनका कहना है कि 2 अक्टूबर के दिन जब वे एटीएम से रुपए निकालने गए, तब उन्हें उनके खाते में 80,000 रुपए राशि की कमी आ रही थी। लेकिन छुट्टी होने के कारण अगले दिन जब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट निकलवाया, तब पता चला कि हरियाणा शहर के हिसार जिले में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 4 दिन तक प्रतिदिन 20,000 रुपए उनके खाते से निकाल लिए गए। इसकी शिकायत उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक शाखा विक्रम नगर दामोदपुरा और पुलिस अधीक्षक मनोज राय नीमच सिटी थाने में की, लेकिन आज दिन तक शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं। जब इस मामले को लेकर हमने नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ला से बात की, तो उनका साफ कहना था कि लगातार मीडिया, बैंक व पुलिस प्रशासन आम लोगों को जागरूक करता है कि बैंक आपसे कभी आपका एटीएम नंबर, पासवर्ड नंबर नहीं मांगता। बैंक संबंधित कोई भी जानकारी फोन पर किसी को ना दे, लेकिन आम उपभोक्ता थोड़े से लालच में आकर अपना एटीएम नंबर, पासवर्ड किसी को भी मोबाइल पर दे देते हैं, जिससे वह डिजिटल ठगी का शिकार हो जाते हैं। यह मामला हमारी संज्ञान में आया है, जल्द ही इस मामले में पड़ताल की जाएगी। मैं 28 तारीख को ये खाते से पैसे निकले मेरे, और उसके पहले मैंने 19 तारीख को 2,000 रुपये निकाले थे, तो उसके बीच में मैं गए ही नहीं एटीएम। जब मेरे पैसे की ज़रूरत पड़ी, मैं खेती काम करता था तो वहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ी, तब देखा मैंने तो बैलेंस कम है। फिर आकर के देखा और फटाफट जा कर के एटीएम ब्लॉक करवाया। उसके बाद में फिर ये मोबाइल में घर पे ही था, खेती काम कर रहा था तो मोबाइल घर पे छोड़ के जाता था, बारिश की वजह से क्या गीला भी हो गया था। फिर मैं 2 अक्टूबर को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो 2 अक्टूबर को मैं एटीएम आया, देखा बैलेंस कम है। उसके बाद मैं रिपोर्ट कहीं कर नहीं सका क्योंकि वह हॉलीडे था। 3 तारीख को मैंने सारी रिपोर्ट बनवाई, रिपोर्ट एक पुलिस थाने में दी, नीमच सिटी थाने में दी, एक एसपी ऑफिस में दी और एक बैंक में जाके दी। बैंक वालों ने बोला कि शपथ पत्र बनाओ, तो मैं शपथ पत्र बनवाया, बैंक स्टेटमेंट निकलवाया और उसमें ये बैंक स्टेटमेंट में पता पड़ा कि हरियाणा हिसार में ये पैसे निकले हैं। ये हम शुरू से ये कैंपेन चलाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि जिसको व्यक्ति को आप नहीं जानते उससे अपने खाते को बिल्कुल शेयर न करें। लोग अज्ञानतावश कि मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ उसके झांसे में आ जाते हैं। कभी भी बैंक किसी भी ग्राहक को कभी फ़ोन नहीं करता है। आजकल और एक नया ट्रेंड चला है, आपको इनाम का लालच दिया जाता है कि आपको 3,000 रुपये, 5,000 रुपये इनाम मिला है और आपको एक लिंक भेजी जाती है कि आप इस लिंक पर रजिस्टर करें। उस लिंक पर आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह उसको लिंक कर देते हैं और उस साथ ही वो उधर से वो व्यक्ति कहता है कि आपके पास ओटीपी आएगी, वह ओटीपी भेज दीजिए और इस तरह मेहनत का पैसा जो है ठग लोग निकाल लेते हैं। तो मेरा सभी लोगों से ये अपील है कि एक तो जैसे ही अपना बैंक का एटीएम कार्ड का नंबर आप किसी को भी ना बताएं, आपके पास ओटीपी कोई जनरेट होता है कभी ना बताएं। और कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं देता है, इस बात को अपने दिल में बना के रखना पड़ेगा। अपने को लालच दिया जाता है जब ही अपन इस ठगी का शिकार होते हैं, तो एक अपना मन मस्तिष्क ये बनाना पड़ेगा कि फ्री में कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोगों से ये अपील है कि आपका पैसा सुरक्षित रहे। दूसरा, आप जितनी जल्दी पुलिस के पास अप्रोच करेंगे तो ये पैसा वापस होने की संभावना रहती है। यदि उसने कोई ट्रांजेक्शन किया है तो उसका अकाउंट सीज कराया जा सकता है। आप जल्दी पुलिस के पास पहुँचें, बैंक के पास पहुँचें, जो उनके टोल फ्री नंबर रहते हैं, जैसे ही आपको फ्रॉड की जानकारी उस टोल फ्री नंबर पे आप लगाएंगे तो बैंक भी उसमें मदद करती है। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी साइबर सेल भोपाल है, उसकी शाखा उज्जैन में है और हम यहाँ की शाखा भी उससे जुड़ी हुई है। यदि आप ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं
तो तत्काल उस पर पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी और आपका जो मेहनत का पैसा है उसको वापस लाने का प्रयत्न किया जाएगा। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।